हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाका। मैं हूँ आराधना आपके साथ। दोस्तों, आपने बिग बॉस के प्रीकैप में देखा था कि रुबिना एक्स कंटेस्टेंट से लड़ती है, और अब जो फुटेज आई है उसमें साफ दिख रहा है कि रुबिना जब एक्स कंटेस्टेंट से लड़ रही होती है आइटम्स को लेकर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जब दो जूते एक माने जा सकते हैं तो सलवार सूट एक क्यों नहीं माना जा सकता, उसको अलग अलग क्यों माना जा रहा है। ऐसे में रुबिना चिल्लाने लगती है, गौहर से आर्गुमेंट होता है, हिना से होता है, सिद्धार्थ से होता है। सिद्धार्थ कहता है ये गई यार, ये क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद गौहर कहती है कि आप जो बोल रही हो वो सेंसलेस बात है, हम लोगों को तो राइट दे रखा है बिग बॉस ने, हम किसी भी तरह का रूल बना सकते हैं। कहती है आपके रूल को मानने वाला कौन है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप कर रही हैं। ना सिर्फ एक्स कंटेस्टेंट से लड़ाई होती है बल्कि रुबिना के अगेंस्ट घर वाले भी हो जाते हैं, क्योंकि अब हिना कहने लग गई है कि कुछ भी नहीं देती, जाओ जो करना है कर लो। और रुबिना को उसका खुद का हस्बैंड अभिनव समझाता हुआ नजर आता है कि रुबिना यू आर रॉन्ग, तुम जो बोल रही हो वो गलत है। ऐसे तो अगर मैं शूज में से लेस निकाल दूंगा तो लेस विल बी अलग आइटम एंड माई शू विल बी अलग आइटम, सो वो दो आइटम हो जाएंगे। सो वॉट यू आर सेइंग कि सलवार एंड कुर्ता इट इज रॉन्ग। अब घर के अंदर रुबिना और उसके हस्बैंड की इक्वेशन क्या खराब होने वाली है? क्या दोनों के बीच में घर की चीजों को लेकर बिग बॉस जो है वो गाज डाल रहे हैं? व्हाट यू हैव टू से अबाउट, भैया जो बिग बॉस है ना आदमी, इसके अंदर बहुत दिमाग है और इसको पता है कि कैसे किस इंसान को कब घुमा दिया जाता है। रुबिना घर के अंदर तो आ चुकी हैं, लेकिन अब रुबिना बनी मर्दानी, मैं झांसी की रानी, पर उनका ये अवतार उन पर कहीं भारी ना पड़ जाए। व्हाट यू हैव टू से कमेंट्स में लिखकर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड इन केस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल डू सब्सक्राइब टू इट, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गुड बाय गाइस।